जिंदाबाद, गणेश समाज जिंदाबाद, गणेश समाज जिंदाबाद, पुलिस प्रचार चक्र हाय 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 हाय, पुलिस प्रचार चक्र हाय 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 हाय, पुलिस प्रचार चक्र हाय 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 हाय, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रतीक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रतीक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गिरफ्तार करो जिंदाबाद। भूल पाएगा सड़कों पे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बैठ कर देगा बोलेगा, आज हम पूछ रहे लक्ष्य का कहना था विमान पागड़ी के ऊपर प्राणघातक हमला 24 जून 2022 को हुआ था, उसको लेकर आज खटीक समाज की ओर से हम एक ज्ञापन देकर पुलिस अधीक्षक महोदय को ये आग्रह करना चाहते हैं कि जो बाकी बचे हुए अभियुक्त हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिया दे और हमारे साथ न्याय करें। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो उसके लिए आज हम ये ज्ञापन देने आए हैं। अगर आने वाले समय में इनको गिरफ्तार नहीं किया तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम जयपुर लेवल पर, इसीलिए आज ये हमारा ये है। दोस्तों की मांग गिरफ्तारी की जाए, बाकी बचे हुए लोगों को गिरफ्तार किया जाए। अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, इसमें 15 से 20 लोग हैं, जो 7 लोग तो उस FIR के अंदर नामजद है, बाकी कई अज्ञात लोग भी हैं जिन्होंने हमला किया था तलवार और छुरी से, उसको लेकर आज आप ये आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं कि उन बाकी लोगों को गिरफ्तार किया जाए और एट्रोसिटी एक्ट की तहत इनको हम चाहते हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसी को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद। PSPG जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है एडवोकेट दलीप चौहान। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों पूर्व हिमांशु पागड़ी के ऊपर हमला हुआ था, 30-40 दिनों में सरियों और तलवारों से एक लाइव वीडियो बना था, सभी न्यूज़ चैनल पर ये वीडियो चला था, पूरे शहर ने देखा है, पर पुलिस इस बात से शायद बेखबर है, ताकि उनको पता नहीं कि किस तरह की वारदात हुई है। एक फिल्मी स्टाइल में एक अध्यक्ष का जो है युवा मोर्चा का सरेंडर करता है, सेल्फी ले रहे हैं थाने में, एक जना गिरफ्तार हुआ है, 2 जना आ जाए जून पेपर में, 30 जने 40 जने तक क्यों गिरफ्तार नहीं करी पुलिस आती, क्या बताना चाहती है पुलिस प्रशासन हमें? क्यों ऐसा खड़ी समाज के साथ हर बार किया जाता है? हमारे दलितों को भी ऊपर ही अत्याचार करोगे क्या? कोई हमारे दलित युवा आगे बढ़ना चाहे तो उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, उसको मिलेगा क्या करेंगे हम? हम या तो हमें एक कॉल दो कि हम घर ही बैठे हमारे हम ट्राई नहीं करें आगे बढ़ने का, और या फिर ऐसा करें कि पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे। आज खटीक समाज के युवा उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन आज एक अल्टीमेट देना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जाए और जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए, कम से कम भी 7 दिनों के अंदर सभी जितने भी आरोपी उन सबको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इसमें खटीक समाज आने वाले 7 दिनों के बाद उग्र प्रदर्शन करेगा। एक
ज्ञापन जरूर पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, हनी समाज जिंदाबाद, हनी समाज जिंदाबाद, हनी समाज जिंदाबाद, प्रशासन मेरी सेनाई, जय चलेगी जय चलेगी, प्रशासन मेरी सेनाई, जय चलेगी जय चलेगी, हनी समाज जिंदाबाद, हनी समाज जिंदाबाद, अधिक समाज का हनन हुआ तो भूल गए दर्शकों पे, पुलिस प्रशासन हाय 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 हाय, प्रशासन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, अधिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अभी कुछ समय पर हमारे हिमांशी बागड़ी के ऊपर जानलेवा हमला फिल्मी स्टाइल में तलवारों से लैस और प्लानिंग से उनके साथ में इस तरह की राजस्थान में ऐसी ऐसी दलितों के साथ में आए दिन ऐसी घटना क्यों होती है। मेरा गहलोत साहब सरकार से निवेदन है कि ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और खटिक समाज ये तो अभी एक टेलर है लेकिन खटिक समाज पूरे राजस्थान के इंडिया लेवल पे जन चेतना जागृत हो जाएगी अगर इस तरह से हमारे समाज के साथ में ऐसे घटनाक्रम हुए। तो युवा और जितने भी सभी में एक बड़ा आक्रोश है, तो हम ज्ञापन यहाँ पर शांतिपूर्ण देना है और उग्र नहीं करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन अगर सही तरह से न्याय नहीं करेंगे तो उग्र प्रदर्शन भी हो सकता है। ये प्रशासन के हाथ में, अगर प्रशासन हमें न्याय दिलाएगी तो ये उग्र प्रदर्शन नहीं होगा, नहीं तो उग्र प्रदर्शन होगा ये खटिक समाज का। क्या मामला था, किस कब हुआ ये घटना? मामला तो ये युवा मोर्चा का कोई आपसी मामला है, लेकिन आपसी मामले में एसी एसटी को ही टारगेट क्यों बना गया बात वो लो भाई साहब। उसके अलावा हमें पूरा न्याय चाहिए और दोषियों को गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। Thank you.